जनाब डिप्टी स्पीकर सर, आज की जो डिमांड्स है रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन एंड रिलीफ, एक्साइज एडमिनिस्ट्रेशन, कमर्शियल टैक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, होम एडमिनिस्ट्रेशंस, एनिमल हस्बेंडरी एंड फिशरीज, कॉरपोरेशन, सिविल सप्लाईज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सर, मैं आज के डिमांड्स में सबसे पहले ये डिमांड करना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का एक पुराना डिमांड है सर, हम हमेशा ये कहते हुए आए हैं कि नोटरी के डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रेट करना चाहिए। कई इलाके हैं, या वो पुराना शहर होने दीजिए या नया शहर होने दीजिए, कई आबादियां बसे हुए हैं, और आपसे डिमांड है कि आप इमीडिएटली जितने भी नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे उनको रजिस्ट्रेट कीजिए। और सीएम साहब, लास्ट ईयर के बजट सेक्शन में ठहर कर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ये डिमांड करे थे कि जितने भी नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स उसको रजिस्ट्रेट करिए या मौका दीजिए रजिस्ट्रेशन करने का, तो सीएम साहब अश्योरेंस दिए थे कि हम ज़रूर उसको क्या बोलते तो गौर करेंगे और वो काम करेंगे। सर, और एक एक चीज़ ये है, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन लास्ट कई सेक्शन से यहाँ पर असेंबली में आपके दरमियान में ठहर कर, आपके सामने ठहर कर यहाँ के मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट किए कि बंडला गुड़े के अंदर एक गवर्नमेंट लैंड ऑलरेडी है सर, उस एरिया में रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव आंसर मिला था, इमीडिएटली हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए जगह आप दीजिए, हम बनाएंगे रजिस्ट्रेशन ऑफिस, एक वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सर, और एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है, शहर हैदराबाद के अंदर जितने भी रजिस्ट्रेशन के आज ऑफिसेस है, तकरीबन 70% रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, और ओल्ड एज लोग जो रहते हैं, जो रजिस्ट्री कराने के लिए आते हैं, ना उस बिल्डिंगों में लिफ्ट की फैसिलिटी है। आप से ये हमेशा पुराना मुतालिबा है, जितने भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है आप अपने गवर्नमेंट के लैंड देख लीजिए, जीएचएमसी के लैंड देखिए, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ग्राउंड फ्लोर पर आप जब बनाएंगे तो काफ़ी ओल्ड एज लोगों को लिए सहूलत मिलेगी। और कई रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स है सर जहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं है, जहाँ पर बाथरूम्स नहीं है यूज़ करने के लिए, लोग जो आते हैं विजिटर्स क्या बोलते सो, ये चीज़ को कभी भी आप ये चीज़ को ध्यान में रखिए और इमीडिएटली ये कामों को कराइए। सर, और एक एक ये एक्साइज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ सर, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और MIM पार्टी की जानिब से हमेशा एक मुतालिबा रहा, जितने भी रेसिडेंशियल एरिए है, मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारा है, इसके 100 मीटर्स के सराउंडिंग के अंदर लिकर शॉप्स नहीं होना चाहिए। आज आप जाकर कई कॉलोनीज में देखते हैं रेसिडेंशियल एरियों के अंदर लिकर शॉप्स है, वहाँ पर मसाजिदों के करीब लिकर शॉप्स है। जितनी भी आवाम गवर्नमेंट हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को नुमाइंदगी करे, हम हो या आप लोग हो, आप और हम मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर्स दिए तो यहाँ से शिफ्ट करो बोल के, मगर आज तक भी वो काम पूरा नहीं हुआ है। मैं ख़ास तौर से आपसे गुजारिश करता हूँ ये काम भी देखिए। सेकेंडली सर, ये लिकर शॉप जितने भी है एक टाइम की पाबंदी कर जाइए साहब उसकी, आप कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, सुबह मॉर्निंग खोलता है उन्हें अपना दिल बोले वक्त बंद करता है। और एक एक सर, एक नया ट्रेंड चालू हो चुका है, ये पिछले 4-5 साल के अंदर हुआ है, जहां पर भी लिकर शॉप रहती है उसके बाजू के खाली मलकी देखकर उस लिकर शॉप वाला क्या कर रहा, परमिट रूम बोल के एक बना दे रहा वहां पर। वो परमिट रूम क्या है सर, एक रोड के ऊपर तमाशा बना हुआ है, उन्हें लिकर लेता है, परमिट रूम को जाकर अंदर बैठ के पीना है, परमिट रूम बोले तो बॉटल लिए फुटपाथ पे ठहरे हुए, फैमिलीज जाते, आवाम जाती, पब्लिक जाती, हर एक को डिस्टर्बेंस,
कोई शरीफ रहता, कोई बदमाश रहता पीने वाला। एक पब्लिक को तकलीफ दिया जा रहा है। सर मैं अब ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कहना चाह रहा हूं सर, 2014 के अंदर सर हैदराबाद सिटी के अंदर 3,800 आरटीसी बसेस थे। आपको सुनकर हैरत होगी साहब, वो रिड्यूस होते 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 आज 2,800 आरटीसी बसेस हो चुके हैं। 1,000 आरटीसी बसेस कम करे हैं। साल को साल आबादी बढ़ते जा रही है। गवर्नमेंट एक प्रपोज एक गवर्नमेंट एक एक गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं तो स्लोगन देना चाहिए सर कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करो बोलकर। आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाने की जगह आज आरटीसी बसेस का हालत देख सकते हैं आप। 3,800 से लेकर 2,800 पब्लिक बसेस आरटीसी बसेस हो गए हैं। और कॉमन इसकी तरफ से क्या हो रहा सर, आज हमारे पिछले 2 साल से कोविड की तरफ से स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, तकरीबन आरटीसी बसेस के अंदर कमी किया गया था क्राउड को देखते हुए। पब्लिक में स्कूल कॉलेजेस के बच्चे और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज कम यूज कर रहे हैं बोलकर। आज डिमांड बढ़ चुका है सर आज, और ये आरटीसी बसेसों को इंक्रीज नहीं करे है, उसकी तरफ से आवाम को तकलीफ हो रही है। और सर मेन चीज क्या था, शहर हैदराबाद के अंदर जितने भी बाई लेंस पुराने बस्तियां हैं, जैसा ओल्ड सिटी में सर मेरी बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चंद्रायन गुट्टे के अंदर बाबा नगर इलाका है, याकूतपुरा है, मलकपेट है, सनत नगर एरिए है, एर्रागड्डे के एरिए है, कारवान है, टोली चौकी है, ये बाई लेंस के एरिए है सर। ये यहां पर आरटीसी की जानिब से मिनी बसेस चलाए जाते थे, आज टोटल 0% कर चुके हैं मिनी बसेस को। कोई जगह मिनी बसेस ऑपरेट नहीं हो रही है। ये हमारे बाई लेंस में जहां पर लोग निकलते थे मिनी बसेस को यूज करते थे, वहां पर से भी मिनी बसेस खत्म हो चुके हैं सर। और एक एक सर मैं आपसे गुजारिश करता हूं सर, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एक स्पेशल फंड रिलीज करते बोले थे आरटीसी को, ये आप इमीडिएटली उस सारे चीजों का रिलीज वो फंड को रिलीज कराने लगाइए। और समर स्टार्ट हो रहा है सर, समर स्टार्ट होने की तरफ से बस शेल्टर्स शहर हैदराबाद में तकरीबन 80% से ज्यादा बस शेल्टर्स नहीं है। और आपको सुनकर ताजुब होगा स्पीकर साहब, बस शेल्टर्स कहां लगाए जा रहे हैं, एसी के बस शेल्टर्स लगाए जा रहे हैं, जोबली हिल्स में लगाए जा रहे हैं, माधवपुर में लगाए जा रहे हैं, हाईटेक सिटी में लगाए जा रहे हैं। क्या आवाम वहां पर बस की सफर करती है? बस का सफर करने वाला कौन है साहब? गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी है, वो सफर करता है याकूतपुरे में, चार मीनार में, बहादुरपुरे में, चंद्रायन गुट्टे में, कारवान के अंदर, सनत नगर के अंदर और दूसरे कई इलाकों के अंदर। यहां पर बस की सर्विसेज चलते हैं, यहां पर एसी के बस शेल्टर्स तो जाने दीजिए सर, नॉर्मल बस शेल्टर आनेंगे। आज धुपकला चालू हो चुका है, कहां पर ठहरना सर, बड़े बुढ़े लोग हैं, बच्चे स्टूडेंट्स हैं, धूपों में बसों का इंतजार कर रहे हैं। हद तो ये हो गई सर, पेटला ब्रुज मेटर्निटी हॉस्पिटल है, उसके सामने बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड के ऊपर आप जाकर देखिए, बस स्टैंड वहां पर एक कोई शेड नहीं है। जो पेटले औरतें दवाखाने से निकलते हैं उस तकलीफ में, वहां ठहर कर क्या बोलते तो बस का इंतजार कर रहे हैं। और सर और एक चीज मैं आपसे ये भी कहना चाह रहा हूं सर, आफ्टर 2013 पीआरसी, नेक्स्ट पीआरसी इन 2017 पीआरसी हुई थी सर ये, नाउ इट्स बीन मोर देन 5 इयर्स, पीआरसी इज नॉट अनाउंस, तेलंगाना आरटी एम्प्लॉयज आर वेटिंग फॉर पीआरसी, दे एक्सपेक्टेड द सैलरीज वुड ग्रो अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बट इट डिडंट हैपन। इन डिसंबर 2020 CM KCR announced in the assembly that salary of RTC employees will be increased as on par with the government employees but not given till now. Sir, in the year 2014, TSRTC of Telangana has 10,000
600 buses, including 1,500 private buses. But now only 9,600 buses are available, including 3,200 private buses. In the year 2014, the RTC has 3,800 buses. But now it is 2,800 में अभी आपसे जो कह चुका हूँ. Instead of enhancing the number of buses, they are reduced 1,000 buses from the old city. Sir, कई routes है. मैं पूरी तफसील में जाना नहीं चाह रहा हूँ सर. कई demands है, कई लोग को time मिलना है यहाँ पर आज demands पूरे complete करने के लिए. तो short and sweet मैं आपसे कह रहा हूँ सर, जैसा example. सर एग्जाम्पल के तौर पर जैसा ओल्ड सिटी होने दीजिए या न्यू सिटी होने दीजिए, आरटीसी बसेस क्या बोलते सो ये रूट्स पे चलते थे, आज कई रूट्स को क्लोज कर चुके हैं और आवाम में इतनी तकलीफ है सर आप बयान नहीं कर सकते. जैसा फसलांसर अहमदनगर से रूट थी बस की, कैंसिल हो चुकी है. गोलकुंडा टू चारमीनार थी, कैंसिल हो चुकी है. अंबरपेट टू चारमीनार था, कैंसिल हो चुका है. गोलकुंडा टू अफजलगंज रूट थी, कैंसिल हो चुकी है. टोली चौकी टू चारमीनार रूट थी, कैंसिल हो चुकी है. तारागड्ढा टू चारमीनार रूट थी, कैंसिल हो चुकी है. मोती दरवाजा टू चारमीनार रूट थी, कैंसिल हो चुकी है. गोलकुंडा टू मेहदीपट्टनम आते थे सर, वो कैंसिल कर डाले रूट को. रियासत नगर से चारमीनार जाते थे, वो कैंसिल कर डाले. चारमीनार से बागे जहारा और याकूतपुरा होते हुए मिनी बसेस चलते थे, वो कैंसिल कर डाले. सिकंदराबाद से लेकर बारकस को डायरेक्ट रूट थी, वो कैंसिल कर डाले. सर मैं आपके सामने नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एक्साइज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो अभी कह चुका हूं सर, और एक एक ट्रांसपोर्ट भी हो चुका है. होम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आना चाह रहा हूं सर. मैं होम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से यह कहना चाह रहा हूं सर, क्राइम हैदराबाद सिटी के अंदर काफी हद तक बढ़ा है. आज आप देख सकते हैं ओपन फायरिंग्स हो रहे हैं सर, और कई क्राइम पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है. मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ये आपसे कहना चाह रहा हूं सर, खास तौर से इस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आप एहतियात कराने लगाइए. सेकेंडली चीज, जितने भी हैदराबाद सिटी के अंदर या लायन आर्डर के पीएस होने दीजिए या ट्रैफिक पुलिस स्टेशन होने दीजिए सर, वहाँ पर स्टाफ की कमी है, वहाँ पर स्टाफ को बढ़ाइए सर. और एक एक चीज़ सर, साइबर क्राइम आज सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, साइबर क्राइम इंक्रीज हो रहा है. ये सोशल मीडिया ऐसा निकल चुका है सर, ये उसके अंदर कई फ्रॉड्स किए जा रहे हैं, और उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट और तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से रोड नंबर 12 के ऊपर एक साइबर क्राइम के लिए एक बहुत बड़ा टावर भी बनाया गया है. मैं मेरी पार्टी की जानिब से गवर्नमेंट को मुबारकबाद भी देता हूं, एक अच्छा काम की आगे बढ़ी है गवर्नमेंट ले लेकर. ख़ास तौर से वो सारी चीज़ों के लिए वो देखिए. और एक एक सर पेंशन स्कीम है होम गार्ड्स की, उसको देखिए सर वो क्या है क्या नहीं, क्या बोलते सो सर. और एक एक सिविल सप्लाईज एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कहना चाह रहा हूं सर, पिछली गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करी थी राशन कार्ड होल्डर्स को कि आप लोग राशन कार्ड के लिए अप्लाई करो बोल के. कई लाख आदमी हैदराबाद शहर के अंदर और तेलंगाना के अंदर राशन कार्ड के लिए अप्लाई करे हैं. तकरीबन 70% लोगों को राशन कार्ड मिल चुका है, 30% लोगों को मालूम भी नहीं है, जो अपने मकानों के ऊपर बैठे हुए हैं इंतज़ार में है, आज इंक्वायरी को आएंगे या कल इंक्वायरी को आएंगे. जब कोई नहीं आया तो राशन कार्ड के ऑफिस को जब जाकर मालूम करे तो ये मालूम हुआ आपकी इंक्वायरी हो चुकी है और आप रिजेक्टेड हो चुके हैं. ना कोई ऑफिसर आया, ना कोई ऑफिसर की इंक्वायरी हुई है. ऐसे कई लाख लोग अभी भी बाकी है जिसको राशन कार्ड मिलना है, आप इमीडिएटली वो चीज़ों को भी दिखाने लगाइए.
सर और एक एक चीज, आबादी बढ़ रही है, राशन शॉप जितने भी है शहर के अंदर कम है, एक एक राशन शॉप की दुकान के ऊपर 2,500 से 3,500 मेंबर्स भरे हुए हैं के, तो ओवर क्राउडेड हो जा रहा है। उसके लिए आपको राशन कार्ड के दुकानों को और इजाफा करना चाहिए, इससे बर्डन कम होता है। और आज के जमाने में सर महंगाई का जमाना है, पहले राशन कार्ड के अंदर चावल दिया जाता था, गेहूं दिया जाता था, तेल दिया जाता था, शक्कर दी जाती थी और कई चीज़ें दिए जाते थे। आज राशन कार्ड के पर जब गरीब जाता है राशन की दुकान के ऊपर, कोई चीज़ों को उसको दिया नहीं जाता है, सिर्फ एक चावल दिया जा रहा है। इस महंगाई के ज़माने में गरीब आदमी कहाँ जाएगा सर, बोलिए आप, ना उसकी सख्त तेल लेने की है, ना शक्कर लेने की है, ना गेहूँ लेने की है, ना चावल ले सकता है। एक चावल मिल रहे है खाली गवर्नमेंट की तरफ से। मेरी पार्टी की जानिब से ये डिमांड्स है, जितने भी राशन के अंदर आप आइटम्स को बढ़ाइए। और एक एक सर मैं आखिरी में यही कहूंगा सर, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जितने भी डिमांड्स रखी है आज के डिमांड्स के अंदर, उस सारे डिमांड्स को गौर करना चाहिए और इमीडिएटली हमारे डिमांड्स को पूरा करना चाहिए। शुक्रिया।